नमस्कार, सुमंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी और चने की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो पत्ता गोभी ली है और साथ ही लिए हैं आधा कप चने, जिनको हमने रात को भिगो दिया था और अब हमने इनको अच्छे से धो लिया है और इनका सारा पानी निकाल दिया है। तो पहले हम पत्ता गोभी को काट लेंगे। तो पत्ता गोभी को हमने काट लिया है, गैस ऑन करेंगे। तो अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे और अब तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा और जीरा चटकने लगा है तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हम इसमें डालेंगे आधा इंच कसा हुआ अदरक, चार छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक बार चला देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए चने और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और अब इसमें उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे और 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे ताकि चने अच्छे से पक जाए। और अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा चलाते हुए पकाएंगे ताकि पानी जो है वो थोड़ा सूख जाए। तो चने अच्छे से पक गए हैं और अब ये फूल भी गए हैं और इन्हें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस इस तरह से हम हाथ से प्रेस करें, बस इतना ही इन्हें पकाना है, ज्यादा एकदम गला नहीं देना है। और इनका पानी सूख गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकने देंगे। और अब इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हम इसे चेक कर लेंगे। सब्जी जो है थोड़ी सी नरम हो गई है और दोबारा से हम इसे ढककर सिर्फ 2 मिनट पकने देंगे ताकि ये अच्छे से और नरम हो जाए। और अब 2 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। और अब सब्जी पक चुकी है तो हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो हमने गैस को स्विच ऑफ कर दिया है और अगर सब्जी में पानी हो तो उसे भी सुखा ले। तो इसी तरह से सूखी सूखी सब्जी रखनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता तो लीजिए पत्ता गोभी और चने की बहुत ही हेल्दी सब्जी तैयार है। इसमें हमने बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। तो आप इसे बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें और मुझे बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।